गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड, सेफ एंड हेल्दी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोस्टर मेकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ अ पोस्टर। पोस्टर मेकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोस्टर मेकिंग होता क्या है। व्हाट इज़ अ पोस्टर? अ पोस्टर इज़ अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग an announcement, advertising a product or bringing about awareness on any issue of public interest. तो पोस्टर क्या होता है हमारा? पोस्टर एक बहुत ही यूज़फुल मीन्स है किस चीज़ का, कि हम किसी भी चीज़ का अनाउंसमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम पोस्टर बना सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का हमें एडवर्टाइजमेंट करना है तब हम पोस्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी इशू पर हमें कोई अवेयरनेस लानी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, हमें किसी को कुछ बताना है, पब्लिक को कुछ बताना है, अवेयरनेस लानी है हमें, तब हम यूज़ करते हैं पोस्टर। ओके, तो अ पोस्टर शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव एंड रीडेबल फॉर्म अ डिस्टेंस। तो पोस्टर कैसा होना चाहिए? पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए और वो रीडेबल होना चाहिए कि दूर से ही आप उस चीज़ को देखकर पढ़ सकें। इट शुड कन्वे अ मैसेज इन अ क्लियर एंड लॉजिकल वे। वो क्या करना चाहिए? उस वो एक मैसेज कन्वे कर रहा हो बहुत ही क्लियर। मींस देखिए, अब आपका एग्जांपल है यहाँ पर पोस्टर मेकिंग में, टॉपिक है आपका सेव वाटर। तो सेव वाटर के ऊपर आपको पोस्टर मेकिंग करनी है, पोस्टर बनाना है। तो कैसा करना चाहिए? आप यहाँ पर एक कोई मैसेज दे सकते हैं इसके थ्रू। देखिए, मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट, नो वाटर नो लाइफ। अगर पानी नहीं होगा तो कोई लाइफ नहीं होगी। आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसमें कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कलर्ड पेन का यूज़ कर सकते हैं। और कैसा होना चाहिए हमारा पोस्टर? पोस्टर रीडेबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, के दूर से उसको देखकर पढ़ा जा सके। बहुत छोटा छोटा नहीं लिखा होना चाहिए उसमें, हेडिंग्स होनी चाहिए हमारे पोस्टर में, अट्रैक्टिव होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए सबसे बड़ी बात? इट शुड कन्वे अ मैसेज, कि वो कोई ना कोई मैसेज हमें दे रहा हो जिसके बारे में हम बना रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा सेव वाटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पोस्टर शो किया है, एक और पोस्टर है आपका सेव वाटर सेव लाइफ। यहाँ पर आपने अर्थ बना दी है, एक टेप बना दी है कि पानी बह रहा है, तो यानी कि ये हमारा लॉस है, तो वाटर को सेव करिए, लाइफ को सेव करिए, सेव वाटर सेव लाइफ। तो इस तरह से आप इससे आइडियाज़ ले सकते हैं। टॉपिक है हमारा सेव वाटर, यू हैव टू मेक अ पोस्टर ऑन सेव वाटर। सेव वाटर पर आपको एक टॉपिक, आपको एक पोस्टर बनाना है। इससे आप आइडियाज़ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल सेम यही पोस्टर बनाएं, जैसा भी आप चाहें कुछ भी उसमें क्रिएटिविटी शो करिए अपनी, इससे सिर्फ आइडिया लीजिए आप। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज़ नोटिस राइटिंग। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल। एज अ क्लास इंचार्ज राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट दैम टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। आपको क्या करना है? एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जो मैंने ये शो किया है? सबसे पहले ये किस फॉर्म में होना चाहिए? रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए। देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप नेम लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स। एंड देन राइट द वर्ड नोटिस, नोटिस लिखेंगे आप ऑल्सो इन कैपिटल वर्ड्स। एंड देन डेट एंड नाउ सब्जेक्ट, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब आपको लिखना है इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है जिसके बारे में भी आपको नोटिस लिखना है, आप वो नोटिस लिख सकते हैं। एंड देन एट लास्ट यू हैव टू राइट योर नेम, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन में नेम दिया गया है वो आप नेम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी हैं आप, आपकी क्या पोस्ट है, हेड गर्ल हेड बॉय जो भी हैं आप, वो आप लास्ट में लिखेंगे। तो ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट पोस्टर मेकिंग। सो यू हैव टू मेक अ पोस्टर ऑन सेव वाटर इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में पोस्टर मेकिंग करनी है, एक पोस्टर बनाना है, टॉपिक है आपका सेव वाटर, और साथ में आपको ये नोटिस राइटिंग भी करनी है अपनी नोटबुक में। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट पोस्टर मेकिंग एंड नोटिस राइटिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।